हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शैम्पू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ के जरिए बालों की लंबाई को बढ़ाने का तरीका बताऊंगी और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर इसके ज़रिए भी आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे हो सकते हैं, इतनी तेज़ी से घने हो सकते हैं और बालों की जड़ें इतनी तेज़ी से मजबूत हो सकती हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। गाइस, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसे अपने बालों में इस तरह से लगाएंगे तो आपके बालों के हेयर ग्रोथ को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाल इतनी तेज़ी से घने होंगे, 4 गुना तेज़ी से ऐसे घने होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना होगा एलोवेरा जेल की लीफ। आपको फ्रेंड इस तरह से एलोवेरा जेल की लीफ ले लेनी होगी। आपको फ्रेंड्स लेनी होगी एलोवेरा जेल की लीफ। इतनी सी लीफ आपको लेनी है और इसका कमाल देखिए कि ये आपके बालों को कैसे मजबूती देगी, घना बनाएगी, सिल्की बनाएगी, स्मूथ करेगी, बालों का झड़ना टूटना भी हमेशा के लिए बंद कर देगी। आपको करना ये है, इसके साइडों से कांटे निकाल लेने होंगे। देखिए गाइस, इस तरह से आपको दोनों साइडों से इसके कांटे निकाल लेने होंगे और अब आपको इसके दो हिस्से कर लेने होंगे। आपको इसके दो हिस्से इस तरह से लंबी तरह में करना होगा ताकि हम इसका जेल आसानी से निकाल पाए। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कितने अच्छा जेल भरा हुआ है। अब आपको करना यह है, आपको लेना होगा एक छोटे साइज का कद्दूकस और आपको देखिएगा इस तरह से आपको भी इसका जेल निकाल लेना होगा। अब आपको एक क्लीन बाउल लेना है और इस जेल को आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल की लीफ नहीं है तो आप मार्केट के एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मात्रा में एलोवेरा जेल हमारा निकल कर तैयार हो चुका है। आपको अब इसमें ऐड करना होगा अपना शैम्पू। आपको फ्रेंड्स इसमें 1 शैम्पू का पाउच ऐड कर देना होगा। अगर आप अपने बालों में 2 शैम्पू लगाते हैं तो आप 2 शैम्पू के पाउच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आपको इसमें ऐड करना होगा कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कई बार हमारे बालों की जड़ें बेजान हो जाती हैं, एकदम रूखी हो जाती हैं, बालों में नमी की कमी हो जाती है, बाल झड़ने टूटने लग जाते हैं। तो इसे दूर करने के लिए मात्र आप इसमें 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल का ऐड कर दीजिए और इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखा फ्रेंड्स, आपने इस नुस्खे को बनाना कितना आसान है और कितनी आसानी से बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे रात को बनाकर भी छोड़ सकते हैं और सुबह उठने के बाद आप इसे अपने बालों में अप्लाई कीजिए, या फिर अगर आप इसे अपने बालों में सुबह ही बनाकर लगाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, बनाने में मात्र आपके 2 मिनट ही लगेंगे। 2 मिनट में ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसके ज़रिए आप अपने बालों को तेज़ी से लंबा घना बना सकते हैं। बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बाल इतनी तेज़ी से मजबूती होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इसे लगातार 1 मंथ तक यूज़ कर लेंगे तो आपके बाल 4 गुना तेज़ी से ऐसे बढ़ जाएंगे कि वो कभी रुकने का नाम भी नहीं ले पाएंगे। वीक में 2 बार आपको इसका यूज़ करना है। लगातार 1 मंथ तक यूज़ करके देखिए और बालों की सभी समस्याओं को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए। और गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।